देखो न्यूमेरिकल करने का तरीका होता है, आप न्यूमेरिकल को कैसे ट्रैक कर रहे हो, मेन इश्यू ये मेन रीजन होता है ये कि आप कैसे न्यूमेरिकल को ट्रैक कर रहे हो। आप लोग क्या करते हो कि थ्योरी पढ़ी उसके बाद में डायरेक्ट न्यूमेरिकल लगाने लग जाते हो। तो आज अभी आपको क्या करना है एक्चुअली में क्वेश्चन करने के लिए कि आप थ्योरी को पढ़ो, उससे जो उसके फॉर्मूले हैं और उसके साथ में जो जुड़े हुए कंसेप्ट्स हैं उन चीजों को पेपर्स पर लिखना शुरू कर दो, पेपर पर, जिनको हम बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट जिस दिन बनाना शुरू हो गए और जब आप क्वेश्चन करने जा रहे हो, मान लो आपने M2D के क्वेश्चन किए, M2D के आपने क्वेश्चन किए, तो M2D के जब क्वेश्चन कर रहे हो तो उस M2D के सारे फॉर्मूले आपके सामने रखे होने चाहिए एक पेपर पर, सारे के सारे फॉर्मूले M2D के एक पेपर पर रखे होने चाहिए जब आप क्वेश्चन करने के, और क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्वेश्चन को पढ़ा उसके बाद उसका गिविन डाटा लिखो कि क्या क्या इस क्वेश्चन में गिविन है, उस गिविन डाटा से रिलेटेड चीटिंग करो, उस फॉर्मूलों को देखो, फिर उनको घूरो, देखो उनको कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जो कि इसमें फिट हो रहा है, जो हमारी वैल्यू पूछ रहा है वो वैल्यू कौन सा वाला फॉर्मूला निकाल के दे सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात, आ रही है कि नहीं? यस सर, तो जैसे ही जिस दिन आप ये फाइंड करना सीख जाओगे कि कौन सा फॉर्मूला सेट करना है और कैसे करना है, तो आपको फिजिक्स से डर लगेगा ही नहीं, और कंसेप्ट आपको फीलिंग है फिजिक्स ये, मान लो जितना फिजिक्स देखोगे, बायो में आप अपनी बॉडी के बारे में ही पढ़ोगे, अगर बायोलॉजी से आप डॉक्टर बन रहे हो तो आप बॉडी के बारे में, कोई किडनी का डॉक्टर बनेगा, कोई लीवर का बनेगा, कोई हार्ट का बनेगा, कोई न्यूरोसर्जन बनेगा, ये सारे बनोगे। लेकिन फिजिक्स की हेल्प से आप ऑल ओवर, मतलब अर्थ को तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, अदर प्लैनेट्स के बारे में भी पढ़ोगे। अरे स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था, स्कोप ऑफ फिजिक्स इज एंडलेस, बताया था कि नहीं? यस सर, तो इसीलिए यस फिजिक्स सर, फिजिक्स से नहीं डरना, फिजिक्स इजी है, बहुत इजी है, आप डरो मत फिजिक्स से, इजी है फिजिक्स, टफ नहीं है, रटना कुछ भी नहीं है फिजिक्स में, सब कुछ समझना होता है फिजिक्स में, और पता है रटना ज्यादा टफ होता है एज कम्पेयर टू समझने के, रटना बहुत ज्यादा टफ होता है। तो जैसे ही आपने हर चैप्टर के शॉर्ट नोट बना लिए, तो उन चैप्टर के शॉर्ट नोट्स को क्या करना है, डेली मॉर्निंग में उठ के पढ़ना है, बस याद नहीं करना, ओनली पढ़ना है उनको, बस याद नहीं करना आपको। जैसे ही आप पढ़ने लगे जाओगे उनको, तो आपको ऑटोमेटिक डेली आप उन नोट्स को पढ़ोगे ना, तो आप उनको खुद ब खुद याद हो जाएंगे, आपको याद नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है, आप डेली ये मान के चलो कि मुझे ये नोट्स पढ़ने हैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना, तो आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, और जैसे ही फॉर्मूले याद हुए तो क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली बनते चले जाएंगे आपको। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यस सर, ये कुछ ट्रिक्स हैं, ये हर सब्जेक्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो, मैथमेटिक्स पे भी अप्लाई कर सकते हो, आप केमिस्ट्री पे भी अप्लाई कर सकते हो, और फिजिक्स पे तो अप्लाई होगी होगी, फिजिक्स का मैं बता रहा हूँ, तो मैंने यही ट्रिक अप्लाई की, हम लोग यही ट्रिक अप्लाई करते हैं, क्लियर है? यस तो सर, अभी हम बिल्कुल। क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिवर मैन प्रॉब्लम्स, रेन मैन प्रॉब्लम का असाइनमेंट दिया था मैंने, वो कर लिया सबने? यस सर, यस सर, अब देखो ये क्या था, रेन फ्लो कर रही है, रेन फ्लो कर रही है ना, जैसा कल बताया था मैंने, रेन फ्लो कर रही है, तो देखो ये रेन जो इस डायरेक्शन में जा रही है, जो सॉरी रेन बोल रहा हूँ, रिवर, रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको फ्लो करा के ले जा रही है, इसका मतलब अगर इसको कोई नहीं तैरा हो रहा था, अगर ये पानी स्टिल होता, अगर ये पानी स्टिल होता, नहीं फ्लो कर रहा होता, तो ये जहां पे थी वहीं पे रहती कि नहीं रहती? यस सर, तो इसका मतलब जो रिवर का जो फ्लो है वो भी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे, या रिवर हो वो सॉरी बोट हो या पर्सन हो, उस पर इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, है? यस सर, उस पर इफेक्ट करेगा, तो वो सारी चीजें हम ऐसे देखेंगे, देखो रिवर बोट प्रॉब्लम। अब रिवर बोट प्रॉब्लम में हम लोग सारी चीजें किसमें देखेंगे, जी फ्रेम में देखेंगे, जी फ्रेम मतलब ग्राउंड फ्रेम,
हम देखेंगे ग्राउंड फ्रेम में सारी चीजों को। जैसे कि मान लो ये रिवर आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, और मैंने माना कि आपका ये है आपकी एक्स डायरेक्शन और ये आपका वाई डायरेक्शन। क्लियर है इतना? ये आपका एक्स डायरेक्शन है, yes, ये आपका वाई डायरेक्शन है। क्या मैं इस वी इस पर्सन की वेलोसिटी को वी आई कैप लिख सकता हूं? लिख सकता हूं कि नहीं? अरे एक्स डायरेक्शन में है, इसको भी यू आई कैप लिख सकता हूं। तो जो वी आर जी है, वी आर जी क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। जो इसमें यू दिया हुआ है मैग्नीट्यूड है उसका, इन मैग्नीट्यूड, यू इन मैग्नीट्यूड। तो वी आर जी हमेशा क्या लिखेंगे हम? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिमिलरली वी एम आर क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू रिवर, या फिर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, या फिर वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। इन तीनों का मतलब वी एम आर होगा। तो क्वेश्चन में अगर हमें वी एम आर दिया है तो इन तीनों इस ये वाली इन तीनों वाली लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज यूज करके वी एम आर की वैल्यू वो दे सकता है क्वेश्चन। और वी एम जी क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। VMG क्या है? देखो M मतलब मैन, G फॉर ग्राउंड। जैसे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो सारी चीजों को ग्राउंड फ्रेम में देखेंगे। ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हुई आपको? Yes, sir. हाँ? आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. अब हमारा आता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है? डाउन स्ट्रीम होता है जो आप जिस डायरेक्शन में आप फ्लो कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में आप तैर रहे हो, या फिर बोट आपकी चल रही है उसी डायरेक्शन में चल रहे हो जिस डायरेक्शन में आपकी रिवर चल रही है। मान लो आपकी रिवर इधर फ्लो कर रही है और आप तैर भी इसी डायरेक्शन में रहे हो, और आपकी एक्स डायरेक्शन मान लो ये है, वाई डायरेक्शन ये है, तो क्या वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, देखो रिवर की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, क्या मैं इसको यू आई कैप लिख सकता हूं क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है? Yes, sir. अब देखो वेलोसिटी ऑफ मैन, अगर ये मैन रिवर के अंदर है तो ये क्या दी हुई है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर दी हुई है ये। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, क्योंकि देखो ये पर्सन क्या है ना, रिवर में तैर रहा है, रिवर में तैर रहा है, जब रिवर भी फ्लो कर रही है उसमें तैर रहा है, तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर दी हुई है क्या? वी आई कैप। आई कैप क्यों लगाया? क्योंकि देखो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। यस सर। यस सर। अब देखो आपका फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी वाला फॉर्मूला। मान लो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू, अगर मैं रिवर निकालू तो क्या करूंगा मैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, तो क्या करूंगा? वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस के वेलोसिटी ऑफ रिवर करूंगा। यस सर। यही करूंगा ना, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर ही करूंगा कि नहीं करूंगा? यस सर। अब मुझे चाहिए क्या? अब मुझे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो क्या मैं इसको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिख दूं? अरे yes, आपको वो याद है वेलोसिटी ऑफ ए बी की मैंने बताया था, ए yes, की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, बी की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ऐसे ही सिमिलरली क्या मैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर को निकालने के लिए ये लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए मुझे। अगर वी एम जी की वैल्यू अगर निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, वी एम आर प्लस वी आर जी कर सकता हूँ कि नहीं? अरे इसको मैं इधर ले, yes, sir. इसको इधर ले गया तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का इधर पर आके प्लस का हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला हम पूरे उसमें यूज करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला ये आ गया। अब देखो वी एम आर क्या दिया हुआ है, वी यू आई वी आई कैप, और वी आर जी क्या है, यू आई कैप। तो इन दोनों को जब ऐड किया तो क्या आया, वी प्लस यू आई कैप। अब ये जो वेलोसिटी आ गई, मेन की वेलोसिटी आ गई ग्राउंड की रेस्पेक्ट, मेन की वेलोसिटी आ गई ग्राउंड के रेस्पेक्ट। अब ये पर्सन मान लो इधर तैर रहा है, और आपने बोला कि भाई ये बताओ मुझे कि ये डी डिस्टेंस मान लो, या ए से बी तक कितने टाइम में पहुंचेगा, ए से बी तक कितने टाइम में पहुंचेगा, क्या यहाँ पर कोई एक्सीलरेशन है? नो सर।
यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया आपका जीरो है। अगर एक्सेलरेशन अगर जीरो होता है तो क्या हम स्पीड टाइम डिस्टेंस का वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? यस सर। स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा, हमें चाहिए क्या टाइम चाहिए, तो क्या मैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा सकता हूँ फॉर्मूला? और देखो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ए से बी तक गए, क्या ये एक्स डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में है कि नहीं है ना? यस सर। तो एक्स डायरेक्शन में है तो हमें चाहिए रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए, सॉरी रिजल्टेंट टाइम के लिए एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी। अब देखो यहां पे अगर हमें टाइम चाहिए तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी है कि नहीं? अब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ मेन ग्राउंड कितना है? अरे ये आई कैप है ना, तो एक्स डायरेक्शन में कितना है, वी प्लस आई है ना, वी प्लस यू, वी प्लस यू। ये क्लियर हुआ टाइम कैसे निकाला? अरे वेलोसिटी ये आ गई आपकी वी प्लस यू, और आपका डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, डी। तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी करेंगे कि नहीं करेंगे टाइम के लिए? यस सर। क्लियर क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ? यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। सिमिलरली देखो अभी ये क्या हुआ आपका टाइम आ गया, टाइम आ गया कि इस डी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। अब आप सिंपल एक चीज याद रखो कि अगर आपका जो स्विमर है, स्विमर और रिवर की अगर दोनों की सेम डायरेक्शन है तो उनकी वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और मान लो यहां से चलो एक वैसे बेसिक एग्जांपल देता हूं, मान लो इस स्विमर की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी और रिवर की वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकंड थी, इसकी भी 5 मीटर पर सेकंड थी, टोटल कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं? यस सर। टोटल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, और 10 मीटर पर सेकंड से मुझे इसी डायरेक्शन में 10 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर मुझे जाना है, या फिर 10 मीटर ही जाना है, चलो 10 मीटर मुझे जाना है, तो मुझे कितना टाइम लगेगा 10 मीटर को ट्रेवल करने में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से? तो देखो 10 मीटर अपॉन 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा हूं तो क्या मैं 1 सेकंड लूंगा? यस सर। लूंगा कि नहीं 1 सेकंड ओनली? यस सर। तो जिस डायरेक्शन की आप वेलोसिटी लोगे उसी डायरेक्शन की आप डिस्टेंस लोगे, जिस डायरेक्शन में आप डिस्टेंस लोगे उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी लोगे। आपने हमने क्या किया है, इसी डायरेक्शन की डिस्टेंस ली हुई है, देखो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की, इसी डायरेक्शन की हमने डिस्टेंस ली है, पॉजिटिव एक्स लो या नेगेटिव एक्स लो लेकिन एक्स डायरेक्शन ली है, एक्स डायरेक्शन की डिस्टेंस है, तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आई का कोफिशियंट ही लिया है। देखो आई का कोफिशियंट लिया है वी प्लस जे का, तो यहाँ पे है नहीं लेकिन आई का कोफिशियंट लिया है, ये जे का आगे आएगा अभी। ये क्लियर हुआ डाउन स्ट्रीम वाला? सिमिलरली आपका अपस्ट्रीम वाला भी आएगा। अपस्ट्रीम में क्या होगा, अपस्ट्रीम में होगा कि आपका जो पर्सन है वो मान लो इधर मूव कर रहा है और आपका जो रिवर है ना वो जस्ट इसके अपोजिट मूव कर रहा है, तो क्या मैं वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड को, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड को माइनस के यू आई कैप लिख सकता हूं? क्योंकि देखो हमने क्या माना था, ये प्लस एक्स माना, इसको प्लस वाई माना, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, इधर है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो माइनस के यू आई कैप आ गया, ये होगा sir. तो अब देखो ये आपका क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, ये क्या है प्लस के आई कैप होगा क्योंकि ये तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। यस सर। तो इन दोनों से अगर वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या v माइनस के यू आई कैप आएगा, क्योंकि देखो u माइनस का है ना यहाँ पर। यस सर। यस सर। जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, जब रिवर मेन ऐसे जा रहा है रिवर ऐसे चल रही है, तो वेलोसिटी मेन की विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कम हो रही है, कम हो रही है कि नहीं हो रही है? देखो v माइनस के यू है तो माइनस। अब सिमिलरली हमें इसी डायरेक्शन में मान लो ए से बी तक जाना है डी डिस्टेंस, तो क्या सिमिलरली पहले की तरह t इक्वल टू डी अपॉन वी माइनस के यू फॉर्मूला आएगा? यस सर। अब यस सर। डाउन स्ट्रीम में फॉर्मूला क्या आया था, डाउन स्ट्रीम में यहाँ पे प्लस आ गया था, अप स्ट्रीम में क्या आएगा माइनस आएगा। क्लियर है? यस सर। क्लियर है सबको?
ओके देन अगर क्लियर है, यार क्लियर है तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन साथ में किया हुआ है। देखो अभी देखो यहाँ पे आप देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर का वेलोसिटी दी हुई है तो वो क्या थी, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ है आपका कितना, 15 km/h। अगर आपको 15 km/h दिया हुआ तो क्या इसको वी आई कैप लिख सकता हूँ, बोट। अरे वहां yes, पे मेन था, वहां पे मेन था, यहाँ पे मेन की जगह पे बोट हो गई है पास। अब देखो और रिवर चल रही है, किससे चल रही है, 10 किलोमीटर पर आवर से, तो क्या ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है? विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 10 आई कैप। अब देखो उसने बोला है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब देखो डाउन स्ट्रीम का अगर आपको याद हो तो वेलोसिटी ऐड होती थी कि नहीं होती थी भाई? डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है? डाउन स्ट्रीम का मतलब है जिस टाइम जिस साइड में रिवर चल रही है उसी साइड में बोट चल रही है, जिस साइड में रिवर चल रही है और उसी साइड में बोट चल रही है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, सिंपल आपकी दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी, 25 आई कैप आ गया, आएगा। यस सर। सिमिलरली आपने जो फॉर्मूला भी देखा था कि डी अपॉन वी प्लस यू वाला, वी प्लस यू वाला फॉर्मूला अप्लाई किया तो वी प्लस यू क्या 25 आया था, डी क्या है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 25 km/h, तो इसका डिवाइड करके क्या टाइम आया? यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। ओके अब आते हैं क्रॉसिंग पे, रिवर की क्रॉसिंग। अभी तक हमने कैसे मूव करने की कोशिश की है, अभी तक हम ऐसे मूव कर रहे थे, ऐसे ही ना मूव कर रहे थे? यस सर। ऐसे मूव कर रहे थे तो हम कंपोनेंट कौन सा ले रहे थे, आई कंपोनेंट ही तो ले रहे थे। देखो इस वाले में भी हमने आई का कोफिशियंट लिया है और इस वाले में भी हमने आई का कोफिशियंट ही लिया है, देखो आई का कोफिशियंट लिया है ना, वी माइनस के यू, डाउन स्ट्रीम में भी दोनों में हमने आई का कोफिशियंट लिया है। और अगर हम क्रॉस करेंगे, देखो हम क्रॉस वाई डायरेक्शन ये है तो क्या हम क्रॉस अलोंग द वाई डायरेक्शन करेंगे? देखो मान लो ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है तो हम क्रॉस जब यहां से चल के, मान लो ये ए है, यहां से चल के हमें यहां पहुंचना है तो क्या अलोंग वाई डायरेक्शन अगर हम चलें तभी क्रॉस करेंगे? यस सर। यस सर। तो अच्छा एक बात बताओ, ये वाला फॉर्मूला तो हमें याद है, वी एम जी इक्वल टू वी एम आर प्लस वी आर जी, ये वो पिछले वाला ही फॉर्मूला yes, है ना sir. तो जब भी हम लोग क्रॉसिंग की बात करेंगे, अगर हमें क्रॉस करना है तो वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे और हमें ड्रिफ्ट निकालना है, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। देखो ये क्या कर रहा था, ए की इस एक इस पर्सन की इच्छा थी कि ए से स्टार्ट करूं और बी तक पहुंचूं, ए से स्टार्ट करूं बी तक पहुंचूं, लेकिन ड्यू टू रिवर फ्लो कर रही है, ऐसे रिवर आपकी ऐसे फ्लो कर रही है तो ये रिवर क्या करेगी, इसको इधर धकेलेगी कि धकेलेगी इधर थोड़ा? यस सर। तो ड्यू टू रिवर की वजह से ये क्या करता था, इस ये चाहता था तो ऐसे जाना लेकिन ये गया कैसे, ऐसे इस ये वाला पाथ फॉलो किया, तो क्या यहां से क्रॉस करना, तो क्रॉस तो उसने उतना ही डिस्टेंस किया ना, वर्टिकल डायरेक्शन में तो इतना ही डिस्टेंस चला है, मान लो ये 1 किलोमीटर, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो 1 किलोमीटर ही चला एक लेकिन उसके साथ कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चल लिया जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। क्लियर है? yes, तो जब हम ड्रिफ्ट को निकालेंगे तो देखो ड्रिफ्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डिस्टेंस ट्रेवल है कि नहीं भाई? ड्रिफ्ट जो है वो डायरेक्शन डिस्टेंस ट्रेवल है और जो आपका क्रॉसिंग वाली डिस्टेंस है वो क्या है, वाई डायरेक्शन में चली हुई डिस्टेंस है। तो जब हम वाई डायरेक्शन जो क्रॉसिंग वाली डिस्टेंस निकालेंगे उसके लिए वाई कंपोनेंट लेंगे और जब ड्रिफ्ट निकालेंगे तो उसके लिए आई का जो कोफिशियंट है या फिर एक्स कंपोनेंट लेंगे वेलोसिटी का। इतना क्लियर है?
अब हम आते हैं फोर्सिंग वाले फॉर्मूले पे मेन। जैसे देखो अभी मान लो आपसे बोला गया कि आपकी जो रिवर मूव कर रही है इस डायरेक्शन, मान लो यू वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से रिवर मूव कर रही है, तो क्या मैं इसको यू आई के बोल सकता हूँ? यस सर। तो उसमें ही ये पर्सन अभी तक कैसे पर्सन मूव कर रहा था, अलोंग द रिवर कर रहा था या अपोजिट द रिवर कर रहा था? ऐसे ही ना कर रहा था, दो केस हमने जो पढ़े हैं। यस सर। ये दो केस अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाले। देखो डाउन स्ट्रीम में पर्सन जैसे रिवर मूव कर रही थी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ऐसे मूव कर रहा था, और अप स्ट्रीम में जैसे रिवर मूव कर रही है उसके अपोजिट मूव कर रहा था, लेकिन अलोंग द रिवर मूव कर रहा था, क्रॉस नहीं कर रहा था, अभी इतने तक क्रॉस नहीं किया था। उसके उससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन भी किया। अब हमारा जब क्रॉसिंग आया तो क्रॉसिंग ने क्या करा, ये वर्टिकली रिवर ऐसे फ्लो कर रही है और ये मूव कर रहा है ऐसे, कैसे? वर्टिकली क्रॉस द रिवर, ये क्रॉस करना चाह रहा है। तो देखो क्रॉस के लिए दो कंपोनेंट आएंगे। देखो आपका क्या है कि ये तो आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। तो अब इसकी क्या, इसकी वेलोसिटी अगर मान लो वी है, इसकी वेलोसिटी वी है, तो क्या मैं इसको वी जे कैप लिखूंगा? यस सर। क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है ना यार, जे की डायरेक्शन वाई की डायरेक्शन में है कि नहीं? वाई की डायरेक्शन में क्या शो करते हैं, जे से शो करते हैं कि नहीं वाई की डायरेक्शन को? यस सर। तो देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तो आपका सेम टू सेम पहले की तरह रहा यू आई कैप। अब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर क्या हो गया, वी जे कैप, पहले आई कैप था अब क्या हो गया, जे कैप हो गया। क्लियर है? yes, sir. अब सिंपली yes, आपने क्या किया, वो वाला फॉर्मूला लगाया, कौन सा, वी एम जी वाला, वी एम जी इक्वल टू वी आर जी प्लस वी एम आर, सॉरी एम जी, एम जी वी एम जी, वो एम जी तो निकाला है ना, एम आर आएगा, एमजी तो उधर कर दिया हमने। ये फॉर्मूला याद है, इससे पीछे वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला एम आर आर जी और इसका एमजी आता है, यही वाला फॉर्मूला है। yes, sir. अब हमने क्या किया, वी आर जी की वैल्यू पुट कर दी और वी एमजी की वैल्यू पुट कर दी, तो वी एमजी वो वी एम आर की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा वी एमजी आ गया ये इस वाले फॉर्मेट, आई और जे के फॉर्मेट में आ गया। अब अगर हमें ड्रिफ्ट निकालनी है, मान लो अगर हमें ड्रिफ्ट निकालनी होगी तो हम कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आई का कोफिशिएंट। और अगर हमें क्रॉसिंग निकालनी है कि कितने टाइम में ये रिवर को क्रॉस कर पाएगा, वैसे एक्चुअली में अगर ये रिवर स्लो होती, मतलब फ्लो नहीं कर रही होती, तो ए से बी तक जाता सीधा सीधा, डी डिस्टेंस ट्रेवल करता, और जब यहां से यहां तक जा रहा है तब भी तो वर्टिकली क्रॉसिंग में तो डी ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना। देखो वाई का वाई डायरेक्शन में तो डी ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। Yes, sir. तो y डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, d। अब जब हम y डायरेक्शन में क्रॉसिंग y डायरेक्शन में होती है, y डायरेक्शन वाला ले रहे हैं, तो y डायरेक्शन का ही कंपोनेंट लेंगे वेलोसिटी का। तो vmg का y कंपोनेंट क्या है, v है कि नहीं है, देखो j का कोफिशिएंट ही होता है ना y में। यस सर। d अपॉन vy, और vy क्या है आपका, v। तो ये समझ में आया कैसे आया है आपका? यस सर। यस सर, समझ में आ गया। अब आप ये बताओ कि आप अगर आपको ड्रिफ्ट निकालना है तो ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट के लिए क्या करोगे भाई, एक्स वाला कंपोनेंट लोगे ना। यस सर। और जितने टाइम में, जितने टाइम में ये रिवर को क्रॉस किया है, तो ए से सी तक ही पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? जितने टाइम में ए से सी तक पहुंचा है, क्या ये वाली डिस्टेंस उतने ही, बी से सी तक उतने ही टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल की गई है? यस सर। देखो भाई ये ऐसा नहीं किया है इसने कि पहले यहां से यहां गया है तब यहां से यहां पे आया, ऐसा नहीं किया, ये कंटिन्यूअसली ऐसे गया है, ऐसे गया है। तो ये जब ऐसे जा रहा था दो वेलोसिटी, दो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, एक हॉरिजॉन्टल में ये वाली और एक वर्टिकल में ये वाली, दो ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था ना, सेम साथ साथ में दो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था। इसीलिए जब हम ड्रिफ्ट निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे, वी एक्स यानी कि जो वेलोसिटी है उसका एक्स कंपोनेंट इनटू जो टाइम टेकन है क्रॉस करने में कितना टाइम ले रहा है, उस टाइम का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी क्या आ जाएगी, ड्रिफ्ट आ जाएगी। क्लियर है ड्रिफ्ट कैसे आई? यस सर। यस सर। इस टी की वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ पर डी बन वी आ गया,
आपका ड्रिफ्ट का फॉर्मूला आ गया वी यू इंटू डी अपॉन वी। क्लियर है ड्रिफ्ट कैसे आई? यस सर। अब हमारा केस आता है कौन सा, कि अगर हमारा हमें हमें चाहिए कि भाई अगर किसी एंगल पे मूव करे ये, तो अभी तक क्या कर रहा था, ऐसे जा रहा था, सीधा सीधा जाना चाह रहा था, यहां तक जा रहा था, तो इसको जो वो थी रिवर थी ऐसे भगा भगा के इधर ले जा रही थी, यहां तक पहुंचा दे रही थी कि नहीं पहुंचा दे रही थी। तो अगर हम ऐसे चलें अगर हम इस डायरेक्शन में चलें तो मान लो यहाँ पर यही इसी डायरेक्शन में चला और रिवर आपकी ऐसे चल रही है, तो ये भगा भगा के इधर इधर भगाएगी कि नहीं भगाएगी इस डायरेक्शन में? अब ये इस डायरेक्शन में धकेलेगी, तो हम ऐसे कौन से एंगल पे जाएं कि यहां से ऐसे कौन से एंगल पे जाएं कि ये जो रिवर धकेले धकेल धकेल के जब हम यहां से यहां पे पहुंचे एग्जैक्टली यहां पे पहुंच जाए भाई, जब हम यहां से ऐसे चलना शुरू करेंगे तो हमारे हमें जो रिवर है वो इधर धकेलेगी। यस सर। ये धकेलेगी तो ऐसे कौन से एंगल पे हम चलना शुरू करें कि हमारी जो हम पहुंचना चाह रहे तो यहाँ पे, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच जाए बी पे, यानी कि ए से शुरू करें और बी पे पहुंच जाए। ये पॉसिबल कब है, कब पॉसिबल है? जब आपकी ड्रिफ्ट जीरो हो जाए तभी पॉसिबल है कि नहीं? यस सर। ये आपकी ड्रिफ्ट थी। अगर ये ड्रिफ्ट वाली डिस्टेंस जीरो हो जाए तो क्या आप ए से डायरेक्ट बी पे पहुंच जाओगे? यस सर। तो अभी आप क्या करो, मान लिया कि आप यहां से वी वेलोसिटी से जा रहे हो और थीटा एंगल बना रहे हो वर्टिकल से, मान लो आप ये ऐसे करके वी वेलोसिटी से जा रहे हो और वर्टिकल से आप थीटा एंगल बना रहे हो, तो क्या इस वी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे? एक हॉरिजॉन्टल में होगा, क्या होगा? वी साइन थीटा और एक वर्टिकल एक एक्स अलोंग द वाई डायरेक्शन होगा, क्या होगा? V cos theta. ये क्या है? Y direction है और ये positive X direction है और ये positive Y direction है। ये clear हुआ? दो component होंगे इस velocity के, इसकी velocity के? तो क्या मैं इसकी velocity को ये लिख सकता हूँ, इसकी velocity को कि minus K V sin theta I cap प्लस के वी कॉस थीटा जे के लिख सकता हूं कि नहीं इसकी वेलोसिटी को? ये देखो माइनस के एक्स डायरेक्शन में है ना ये वाला कंपोनेंट, तो माइनस के वी साइन थीटा आई कैप, और ये देखो ऊपर वाला पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो प्लस के वी कॉस थीटा जे के, हुआ है कि नहीं? यस सर। वह तो देखो ये इस क्या इस वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ मुझे, पहले लिख सकता हूँ इसको ऐसे? यस सर। ये क्लियर है इतना? यस सर। अब देखो जब वी को वी एम जी जो था, सॉरी वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू रिवर जो था, वेलोसिटी ऑफ मेन ही तो था, वेलोसिटी ऑफ मेन ही तो है वी, यहां से ये लिख दो वी एम आर की वैल्यू है, एक्चुअली में वी एम आर को ये लिख दिया मैंने। अब देखो वी एम आर को जब मैंने ये लिख दिया तो आपकी रिवर कैसे फ्लो कर रही है? रिवर तो ऐसे ही फ्लो कर रही है, तो क्या मैं इसको यू आई कैप जो पहले की तरह लिख सकता हूं? यस सर। ये क्या था? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो सिंपल वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, वी एम जी इक्वल टू वी एम आर प्लस वी एम आर जी, वी एम आर की वैल्यू क्या निकाली है हमने? वी एम आर की वैल्यू माइनस के वी साइन थीटा आई कैप प्लस के वी कॉस थीटा जे कैप, तो ये वैल्यू पुट की मैंने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे वो वैल्यू पुट की, और ये क्या निकाली है? वी आर जी क्या निकाली है? यू आई कैप है। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे आई वालों को आई वाले के साथ रख लिया और जे वाले को जे वाले के साथ। अब देखो आई वाला क्या है? यू है, एक माइनस के वी साइन थीटा है कि नहीं? आई वाला Yes, अब इसको इसके साथ रखा तो yes, u माइनस के वी साइन थीटा आई के प्लस के वी कॉस थीटा जे के। अब देखो अब हमें निकालना है इस रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो रिवर को क्रॉस करने में क्या मुझे y कंपोनेंट की डिस्टेंस लेनी है, ये d। यस सर। इस डायरेक्शन में x है, इसमें अगर y है
तो रिवर को क्रॉस करने के लिए मुझे ये डिस्टेंस डी ट्रेवल करनी होगी ना, यस सर, तो वाई कंपोनेंट की डिस्टेंस लेंगे हम डी, और वाई कंपोनेंट वाली ही वेलोसिटी लेंगे। तो वाई कंपोनेंट वाली वेलोसिटी क्या है, ये वाली है कि नहीं, जे का जो कोफिशियंट है वो वाई कंपोनेंट है कि नहीं यस है? सर, तो वाई कंपोनेंट वाली वेलोसिटी ली, तो हमारा टाइम आया इस रिवर को क्रॉस करने में कितना आया, डी अपॉन वी प्लस के, वी डी अपॉन वी कॉस थीटा। ये समझ में आया कैसे आया है? यस सर, अब यस आपको सर, चाहिए, अब आपको चाहिए जीरो ड्रिफ्ट कंडीशन। जीरो ड्रिफ्ट कंडीशन कब कब के कब यूज होती है, जब आपको ए से डायरेक्टली बी पे पहुंचना है। अब हम इसको जीरो ड्रिफ्ट कंडीशन बोलते हैं, और इसको शॉर्टेस्ट पाथ भी बोलते हैं। मुझे ये बताओ, रिवर को क्रॉस करने में सबसे छोटा पाथ कौन सा होगा, ये बताओ मुझे। ए से बी तक ऐसे यहां से चलूं, मैं डायरेक्ट यहां पे पहुंच जाऊं, यही सबसे छोटा होगा ना? या फिर मान लो मैं ऐसे ऐसे यस जाऊं, किसी भी एंगल पे जाऊं, किसी भी एंगल पे जाऊं, इस ए से बी तक जाने में जो पाथ होगा उससे तो बड़ा ही होगा वो पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ए से बी तक जाऊं, डायरेक्टली ए से बी तक पहुंच जाऊं, यही वाला सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है कि नहीं? यस सर, यस सर, और ये पॉसिबल कब है, जब ये डिस्टेंस आपकी जो ड्रिफ्ट है वो आपकी जीरो हो जाए, तभी पॉसिबल है शॉर्टेस्ट पाथ। यस सर, यस सर, और ये डिस्टेंस ट्रेवल कब जीरो हो सकती है, जब आपकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो हो जाए। अरे यस जिस सर, जिस वेलोसिटी से रिवर आपको इस साइड में धकेल रही थी, इस डायरेक्शन में धकेल रही थी, क्या इस वेलोसिटी का वही कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाए, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर और जो पर्सन का एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट था वो अगर दोनों इक्वल हो जाए, या फिर जो आपका वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट था वो जीरो हो जाए, तो क्या ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगी? यस सर, ड्रिफ्ट जीरो यस कब सर, होगी, जब आपका एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो हो जाए। तो क्या एक्स कंपोनेंट क्या है, यही है ना एक्स कंपोनेंट आपका यस सर, वेलोसिटी का? तो इसको हम क्या करते हैं, जीरो के इक्वल का अगर हम कर दें, तो यू देखो, यू माइनस के वी साइन थीटा को अगर हम जीरो कर दें, क्यों कर रहे हैं, ड्रिफ्ट आपको जीरो करनी है, तो आप क्या यहां से क्या आएगा, साइन थीटा क्या आएगा, यू अपॉन वी आएगा कि नहीं आएगा, साइन थीटा, यस थीटा क्या आ जाएगा, सर, साइन इनवर्स यू अपॉन वी आएगा कि नहीं आएगा, यस है? सर, तो ये फॉर्मूला कैसे आया, क्लियर है सबको? यस सर, हाँ क्लियर है सबको, आगे बढ़ूं फिर मैं? यस सर, ओके देन, अब देखो, अभी जैसे मैंने बताया था शॉर्टेस्ट पाथ और जीरो ड्रिफ्ट, शॉर्टेस्ट पाथ और जीरो ड्रिफ्ट वाली कंडीशन कैसे आई थी, यू माइनस के वी साइन थीटा आपने जीरो पुट किया था ना, यस सर, या फिर बोलूं यस सर, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को जीरो किया था। अरे एक्स कंपोनेंट यस ही तो सर, वेलोसिटी को, ये जो वी एम जी आया था उसका एक्स कंपोनेंट था, ये एक्स कंपोनेंट ये था, वाई कंपोनेंट ये था, ये क्या था, वी एक्स था, ये वी वाई था, एक्स कंपोनेंट को जीरो के इक्वल पुट किया था तो हमारी जीरो ड्रिफ्ट वाली कंडीशन आई थी, ये वही वाली है जो पीछे मैंने बताई। अब देखो मिनिमम टाइम, या फिर इसको बोल देता है शॉर्टेस्ट टाइम, ये आपको देखो देखो ये आइडियली होता है, आइडियली होता है, प्रैक्टिकली नहीं होता ये। तो आपको दो टाइम पूछेगा, अगर क्वेश्चन में पूछा है स्पेशली कि शॉर्टेस्ट टाइम बताओ, तो देखो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए आपको शॉर्टेस्ट वाला पाथ लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा कि नहीं लेना यस पड़ेगा? सर, तो इस रिवर को क्रॉस करने का, ए से बी तक जाने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ए से बी है डायरेक्टली डी हो ओनली, तो शॉर्टेस्ट पाथ है कि नहीं वो? यस यस सर, सर, और वेलोसिटी जो मेन की है वो सबसे ज्यादा क्या हो सकती है, मैक्स टू मैक्स क्या होती है, हो सकती है कि वो अपनी सारी वेलोसिटी को वाई डायरेक्शन में ही लगा दे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना ही ना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। यस सर, तो इसकी मान लो अगर वी यस सर, वेलोसिटी है और वो पूरी वी वेलोसिटी को इसी वाई डायरेक्शन में लगा देता है, मान लो अगर वाई डायरेक्शन में लगा देता है, तो अब उस पर क्या आएगा, आपका
डी अपॉन वी से आपका क्या आएगा, शॉर्टेस्ट टाइम या फिर मिनिमम टाइम, उससे कम टाइम इस रिवर को क्रॉस करने में किसी भी हाल में नहीं लग सकता। समझ में आ रहा है? शॉर्टेस्ट टाइम अलग होता है, और देखो यहां से शॉर्टेस्ट टाइम डी अपॉन वी है, और यहां से एक नॉर्मल टाइम निकाला है मैंने डी अपॉन वी कॉस थीटा, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये टाइम निकला है आपका एक्चुअल टाइम, इतना टाइम एक्चुअली लगेगा आपको क्रॉस करने में कि डी अपॉन वी कॉस अल्फा, लेकिन ये जो शॉर्टेस्ट टाइम है ये थ्योरेटिकली है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल सिर्फ तभी हो सकता है जब आपकी रिवर फ्लो नहीं कर रही है, रिवर फ्लो नहीं कर रही है तभी पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? यस सर। तो फिर आप ये क्वेश्चन करके बताओ जरा मुझे, आपको दे रहा हूं उसके लिए 3 मिनट्स, ये क्वेश्चन करके बताओ मुझे जल्दी फास्ट। हो रहा है? हो रहा है? यस सर। करो करो। दो टाइम पूछे इसमें, याद रखना। आंसर इज 9.6 मिनट्स, रोहित का आंसर 9.6 मिनट आया है, और किसी का आया कुछ? दो टाइम पूछे इसने, एक पूछा है टाइम ही टेक टू क्रॉस द रिवर, एक पूछा है शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, दो टाइम पूछे हैं। है कितना टाइम और लोगे यार? अच्छा कुछ लोगों का 10 मिनट आया है, कुछ का 14 मिनट आया है।
शगुन का 1 आवर आया है, वरुण का 14 मिनट, तुषार 10 मिनट, शगुन का पहले 1 आवर आया, फिर 10 मिनट आया है। ओके चलो मैं ही करवाता हूँ फिर। अच्छा देखो, आप सिंपली आप शॉर्टेस्ट टाइम तो ऐसे निकाल सकते थे कि शॉर्टेस्ट टाइम में क्या होता है। शॉर्टेस्ट टाइम में सिंपली आपकी जो रिवर की विड्थ ली जाती है और जो वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन कितनी हो सकती है, अलोंग द वाई डायरेक्शन कितनी हो सकती है, जो जो मैन की वेलोसिटी है वही हो सकती है ना। यस जो मैन जितनी वेलोसिटी से सर, ट्रेवल कर सकता है उतनी ही वेलोसिटी हो सकती है। तो मैन कितनी रिवर की फ्लो कितने से कर रही है, 5 किलोमीटर पर आवर से। और स्पीड विद रेस्पेक्ट टू रिवर कितना है, अरे फिगर से ही बताता हूं मैं आपको। मान लो ये पर्सन था, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम मैक्सिमम वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन। पहले आप उसको छोड़ो, ये सब कुछ छोड़ो, पहले आप ये समझो कि वाई डायरेक्शन ये एक्स है, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी अलोंग द वाई डायरेक्शन कितनी हो सकती है। अगर ये अपनी सारी वेलोसिटी को इसी डायरेक्शन में लगा दे उतनी ना हो सकती है, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकती यस सर, है। तो यस इसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 3 किलोमीटर पर आवर। भाई इट्स स्पीड, पर्सन की स्पीड क्या दी हुई है, 3 किलोमीटर पर आवर। रिवर की स्पीड दी हुई है 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड यस अगर ये सर, 3 किलोमीटर पर आवर को अगर इस डायरेक्शन में ही लगा दे, ओनली इसी डायरेक्शन में लगा दे और जिस डिस्टेंस को ट्रेवल करे, तो क्या शॉर्टेस्ट टाइम आएगा, यस सर, शॉर्टेस्ट टाइम क्या होता है, डी अपॉन वी। डी क्या है आपका, 0.5, और वी क्या है आपका, 3, है कि नहीं। लेकिन ये किसमें है, ये किसमें था, आवर में। आवर में तो इसमें क्या करेंगे, 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, 10 मिनट आएगा आपको। एक तो आपका आपका आंसर आ गया शॉर्टेस्ट टाइम वाला, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर इज 10 मिनट, ये वाला आपका आ गया 10 मिनट। अब आपको इसने पूछा है कि थीटा एंगल पे फ्लो कर रहा था, थीटा एंगल पे उसने सिर करके थीटा एंगल पे कूदा किससे, जो आपका रिवर का जो फ्लो है उससे थीटा एंगल पे। अब देखो रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में है, उससे थीटा एंगल यही वाला होगा, होगा कि नहीं। यस तो सर, देखो ये कैसे तैर के जाएगा, ये वाला पाथ फॉलो करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ये वाला पाथ फॉलो, यहां पे कहीं आके जाके मिलेगा, ये मिलेगा। यस सर, तो क्या मैं इसकी वेलोसिटी को, VMR को, VMR वेक्टर को, क्या मैं, अगर मान लो इसकी वेलोसिटी V थी, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि इसकी 3 वेलोसिटी है ना, 3, तो इस 3 के 2 कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल में होगा 3 cos थीटा और एक वर्टिकल में होगा 3 sin थीटा, होगा कि यस नहीं। सर, अब देखो ये भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है और वर्टिकल वाला पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, तो इस वी एम आर को क्या लिख दूं मैं, 3 cos थीटा आई कैप प्लस 3 sin थीटा जे कैप लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। यस सर, अरे इसकी इस वेलोसिटी को मैं वेक्टर फॉर्म में ये लिख सकता हूँ ना, 3 cos थीटा आई कैप प्लस 3 sin थीटा जे कैप। यस सर, तो देखो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर आपकी आ गई 3 cos थीटा आई कैप प्लस 3 sin थीटा जे कैप, और रिवर की वेलोसिटी क्या दी हुई है, 5 KMPH, तो इसको सिंपली 5 i कैप लिखेंगे, क्योंकि तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रही है ना, तो सिंपली आपने 5 i कैप लिख दिया। अब आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, जरा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला देखो जरा, फॉर्मूला क्या था आपका, ये है ना VMG, VMG इक्वल टू VMR प्लस VRG, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, VMG VMR प्लस VRG, यही वाला फॉर्मूला होता यस सर, है। इसमें इसमें आप वैल्यू पुट करो जरा, पहले VMG को निकालने के लिए VMR क्या है, VMR क्या है आपका, 3 cos थीटा आई कैप प्लस 3 sin थीटा जे कैप,
है कि नहीं? यस सर। और प्लस प्लस क्या करेंगे, फाइव आई कैप, फाइव आई कैप करोगे तो आपका आई वाला क्या आ गया, फाइव प्लस थ्री कॉस थीटा, आई वाले अलग कर दिए, और जे वाला क्या होगा, थ्री साइन थीटा जे कैप। अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में क्रॉस करना है मुझे, क्रॉस कितना डिस्टेंस करना है 0.5 किलोमीटर, तो क्या मैं वर्टिकल कंपोनेंट लूंगा वेलोसिटी का? ये मैं एक्चुअल टाइम निकाल रहा हूँ आपके लिए, ये क्या था, थ्योरेटिकल टाइम था, थ्योरेटिकल, ये थ्योरेटिकल था, ये हमारा एक्चुअल टाइम निकल रहा है। तो क्या मैं जो रिवर की जो डिस्टेंस थी उसमें डिवाइड करूंगा वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का? यस सर। जैसा कि हमने फॉर्मूला पहले भी बताया था, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था हमारा, वी अपॉन वी वाई था कि नहीं था, डी अपॉन वी वाई, यस वी अपॉन वी वाई, देखो डी अपॉन वी वाई था फॉर्मूला, देखो इधर डी अपॉन वी वाई, तो हमने वी वाई का जे का कोफिशियंट रखा था वी वाई के लिए, जे का कोफिशियंट, तो ऐसे सिमिलरली यहां पर करेंगे हम, जे का कोफिशियंट क्या है, थ्री साइन थीटा, थ्री साइन थीटा है कि नहीं, तो यहाँ पे डी की जगह पे 0.5 रखा और वी वाई की जगह पे 3 साइन थीटा रखा, तो यहां से इसको कट किया और आवर का मिनट में कन्वर्ट करके 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया, 10 अपॉन साइन थीटा मिनट, ये थीटा होगा, क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। समझ में आया ये कैसे हुआ है? यस सर। यस सर। सिमिलरली एक और क्वेश्चन करके बता दो, ये इसके लिए भी आपको 3 मिनट दे, 4 मिनट दिया, चलो इसके लिए को 4 मिनट दिया, हाँ बस टाइम भी होने वाला है, इस क्वेश्चन को करो जरा फास्ट। हो रहा है? यस सर। करो करो। सर 2 सेकंड, 3 क्या आ रहा है, 2 सेकंड आपका, इसने बेटा वेलोसिटी 3 सेकंड ऑप्शन आ रहा है आपका? यस सर, सेकंड ऑप्शन। यस सर। ओके यस सर। ओके एक सेकेंड, किस किस का आया है 3 ऑप्शन आंसर? तुषार, तुषार, आशीष, एक सेकेंड, नीट 5 6 बैच है ना ये, नीट 6 फाइव, नीट सर। तुषार का आया है और किसका आया है? शमीर, समीर आपका भी आया है ना? यस सर। और रोहित,
नीलम, नीलम आपका ओके आंसर थ्री ही होगा, रजनी का भी थ्री आ गया ओके देखो आपको क्या करना था, आपको पहले तो सिंपल वाला यही फॉर्मूला अप्लाई करना था, कौन सा ये वाला फॉर्मूला, पी इक्वल टू डी अपॉन वी कॉस थीटा। देखो कैसे, आपको क्या दिया हुआ है, अ बोट इज वोट विच हैज स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, बोट की स्पीड आपको दी हुई है और विड्थ, रिवर की विड्थ कितनी दी हुई है आपको 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर लॉन्ग रिवर है आपकी, और शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ से जा रहा है, देखो शॉर्टेस्ट पाथ से जब जा रहा है तो उसको टाइम कितना लग रहा है 15 मिनट, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता था, मान लो ये आपकी रिवर थी ठीक है, और वो शॉर्टेस्ट पाथ से जाना है तो उसको ऐसे जाना पड़ेगा ना, और रिवर मान लो आपको ऐसे ऐसे फ्लो कर रही है रिवर आपकी, तो जब ये ऐसे जाएगा किसी थीटा एंगल से, थीटा एंगल से, तो रिवर इसको इस तरफ धकेलेगी, तभी ये यहां से ए से बी तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, तो आपको टी वाला, टी अगर फॉर्मूला लगाना है, टाइम का फॉर्मूला शॉर्टेस्ट पाथ के लिए फॉर्मूला लगाना है, तो क्या लगाओगे, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, इस डायरेक्शन कंपोनेंट क्या होगा इसका, मान लो ये वी है तो इधर क्या होगा, वी कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, और इधर क्या होगा, वी साइन थीटा, यस है, तो जब वी, तो डी अपॉन वी कॉस थीटा लिख दूंगा मैं इसको, लिखू के नहीं, अरे डी अपॉन वी कॉस थीटा होगा, आपको फॉर्मूले से उसे फिगर, उसी फिगर से बताता हूं, देखो जब यहां से मान लो ये v वेलोसिटी से गया, v v वेलोसिटी से गया, तो इसका एक कंपोनेंट cos कंपोनेंट इधर आएगा और एक sin कंपोनेंट इधर आएगा इस v वेलोसिटी इसका, और देखो क्रॉस जब इसको करना है तो आपका वही वाला सिंपल वाला फॉर्मूला, t इक्वल टू डी अपॉन वी वाई, और वी वाई क्या है यहाँ पे, v का y कंपोनेंट क्या है, v v cos थीटा है कि नहीं है, यस सर, यस सर, वी वी क्या है आपका, 5 गिवन है कि नहीं, स्पीड ऑफ बोट है, यस सर, तो यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा, वी वाई का कंपोनेंट वी वी कॉस थीटा आपने पुट किया, डिस्टेंस आपको दी हुई है क्या 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर है विड्थ उसकी, ट्रेक उसकी रिवर की 1 किलोमीटर है, और जो 15 मिनट को आपने क्या किया आवर में कन्वर्ट करने के लिए 15/60 किया, तो आपका 1/4 आवर आ गया, यस सर, टाइम को आपने क्या किया, टाइम को 1/4 आवर पुट किया, और डी आपने 1 किलोमीटर पुट किया, और वी वाई को क्या किया 5 cos थीटा, क्लियर है, यस सर, 5 cos थीटा पुट किया, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई यहां से, आपको क्या आएगी cos थीटा की वैल्यू, देखो 5 cos थीटा इक्वल टू 4 आएगा यहां से, 5 cos थीटा इक्वल टू 4 आएगा, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/5 आएगी, यस सर, अब आप ट्रायंगल यूज करो, ट्रायंगल जब आप यूज करोगे, मान लो ये अगर थीटा है तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, अरे क्या होता है cos थीटा का फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है, ये बेस क्या है, ये 4 दिया हुआ है, इसका मतलब ये 5 दिया हुआ है, yes, क्या ये 3 होगा, यस सर, है, तो yes, मुझे साइन, मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, परपेंडिकुलर क्या है 3, ये अपॉन 5 आ गई साइन थीटा की वैल्यू, यस सर, साइन थीटा की वैल्यू अगर 3/5 आ गई, तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का क्या होता है भाई, पूछा क्या है इसने, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही पूछा है ना, वेलोसिटी पूछी है एक्चुअली में, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर ही पूछी है ना उसने, यस सर, उसने बोट की वेलोसिटी दी है, रिवर की वेलोसिटी पूछी है, तो रिवर की वेलोसिटी निकालने के लिए क्या हम रिवर की वेलोसिटी निकालने के लिए u इक्वल टू वी वी साइन थीटा होगा, क्योंकि देखो शॉर्टेस्ट पाथ से अगर जा रहा है तो क्या ये ड्रिफ्ट 0 होगी, यस सर,
और ये ड्रिफ्ट जीरो कब होती थी? ड्रिफ्ट जीरो कब होती थी? ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट कब जीरो पॉसिबल है? इधर आओ एक मिनट, ड्रिफ्ट जीरो मैन और रिवर की वेलोसिटी से, हाँ मेन और रिवर की वेलोसिटी सेम हो और अपोजिट डायरेक्शन, मेन और रिवर की, मेन की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेटा, मेन की वेलोसिटी का अलोंग द रिवर कंपोनेंट और रिवर की, रिवर का वेलोसिटी दोनों इक्वल हो। देखो यहाँ पे ये रिवर की वेलोसिटी थी यू, यस सर, और माइनस ये क्या था वी साइन थीटा, तो है कि नहीं? वी साइन थीटा क्या है? इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही तो है, इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही तो है। तो हमने जब इसको जीरो पुट किया था, इसको जब जीरो पुट किया तो कि मैं यहां से ये भी तो लिख सकता हूं कि u इक्वल टू v साइन थीटा, ये भी तो लिख सकता हूं यहां से। यस सर, तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि जो रिवर की वेलोसिटी है वो होनी चाहिए पर्सन की वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल, तब जाके हमारा ड्रिफ्ट जीरो होगा, है कि नहीं? यस सर। तो हमने क्या किया, आपको रिवर की वेलोसिटी निकालने के लिए, रिवर अगर ड्रिफ्ट जीरो वाली कंडीशन है तभी पॉसिबल है, ये ड्रिफ्ट जीरो वाली कंडीशन है तभी पॉसिबल है। तो रिवर की जो स्पीड निकालने के लिए हम क्या vv sin थीटा लिख सकते हैं, तो vv की वैल्यू आपकी दे हुई है इसने 5 और sin थीटा की वैल्यू हमने 3/5 निकाल ली, तो 5 से 5 कैंसिल हो गए, 3 kmph आ गई। क्लियर है? यस सर। क्लियर हुआ सबको कि नहीं हुआ ये? यस सर। अब इसके बाद, इसके बाद आपको दो क्वेश्चन असाइनमेंट में मिलेंगे, होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क है, इसका सॉल्यूशन भी आपको इसी के साथ मिल जाएगा। तो ये आपको होमवर्क है, और अभी टाइम टाइम भी हो गया। तो इस टॉपिक में किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। यस सर। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। यस सर। ओके देन अभी इस हाँ कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? नो सर। अभी हम क्लास का एंड करते हैं, फिर अब मिलेंगे, अभी कल तो क्लास है नहीं हमारी, अब तो हम नेक्स्ट फ्राइडे को मिलेंगे, वो सॉरी थर्सडे को, है ना? नेक्स्ट थर्सडे को हमारा स्टार्ट होगा NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है? Yes, sir. लेकिन असाइनमेंट करके आना है, असाइनमेंट करना है, असाइनमेंट का ध्यान रखें, और अगर कोई भी डाउट होता है किसी भी जगह पे, किसी भी एक्सप्लेनेशन में, किसी भी क्वेश्चन में, आप उसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, और उसका सॉल्यूशन में एज सून एज पॉसिबल होगा मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, या फिर मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर।